नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अभिषेक रजक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा था उसकी जो लास्ट डेट थी वो 25 अगस्त थी, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा अब लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा और यहाँ पे आके टाइप करना होगा सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सर्च कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पहली वेबसाइट सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर, आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद ये सर्कुलर नोटिस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो विश्वविद्यालय द्वारा जितनी भी जानकारी रहेंगी सब यहाँ पे आ जाएगी। तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं एक लिखा गया है सूचना, प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के संबंध में। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो एक ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही हम इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने एक PDF के रूप में खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसे हम पढ़ के बता देते हैं। लिखा गया है सूचना, प्रवेश परीक्षा सूचना शस्त्र 2020-21 सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर परिषद के BCom प्रथम वर्ष, BBA प्रथम सेमेस्टर तथा MCom, MA, MA, MA इतिहास, MA प्राचीन, ये सब सब्जेक्ट हैं जिनके लिए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हताएं आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2020 निर्धारित थी, जिसे माननीय कुलपति जी द्वारा छात्र हित में विस्तारित करने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2020 निर्धारित की जाती है। प्रवेश संबंधित विस्तृत वितरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश संबंधित सूचनाएँ हेतु वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। और लिखा गया महत्वपूर्ण नोट्स, परीक्षार्थी प्रवेश पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि थी उसे अब 25 अगस्त से बढ़ाकर 10 सितंबर तक कर दिया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो प्रवेश पत्र होगा इस परीक्षा का, ये वेबसाइट से ही डाउनलोड होगा, इसी वेबसाइट से और कहीं से नहीं आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं दूसरी बात है कि इसका जो शुल्क लगता है, परीक्षा फॉर्म का जो शुल्क लगता है, वो शुल्क वापस नहीं होगा। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।